तो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा हुआ, इसके लिए सॉरी। ब्लॉग आते ही नहीं है मेरा, तो ब्लॉग डलता ही नहीं है सही बताऊँ तो। और मैं प्लान कर रहा हूँ कहीं अच्छे जगह घूमने का। तो सबसे बेस्ट, क्योंकि अभी पहाड़ों में यार खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आप लोग भी ये बात जान रहे हो। तो पहाड़ों में अपन जा रहे हैं, बट वैसे पहाड़ों में नहीं जा रहे हैं, जैसे मनाली वगैरह वैसे पहाड़ों में नहीं जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं पुणे। तो पुणे का कुछ सीन है, अभी जाऊंगा टिकट कराने जा रहा हूँ, टिकट कराता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है, क्योंकि टिकट वैसे भी अवेलेबल नहीं है, वेटिंग में है। बट एक बार ट्राई करते हैं, वहाँ जाके पूछते हैं कि क्या पता काउंटर टिकट लेने से क्या है, अगर वेटिंग क्लियर हो गया तो फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वेटिंग अपन ऑनलाइन मारते हैं और वेटिंग में है तो फिर वो कोई काम का ही नहीं है टिकट। अपन अगर जाएंगे तो सीधा सीधा टीटी मना कर देगा और ऊपर से चालान भी मार देगा उसका अलग से। तो फिलहाल देखते हैं, अपन चलते हैं और टिकट बस मिल जाए अपने को। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट ऑप्शन तत्काल है, और बारिश भी हो रही थी तो मैं बोला क्यों ना चलते हैं फिर कहीं घूम घाम के आते हैं। तो चलो फिर। और अभी इस वक्त मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे ही, और क्या बताऊँ, पीछे में टिकट है और टिकट मिलने का कोई नामो निशान नहीं है, तत्काल में मिल सकता है। बस एक ही ऑप्शन है कि तत्काल में टिकट मिल सकता है, और दूसरा ऑप्शन अपने पास ये है कि अपन दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, बस से ट्राई कर सकते हैं। बट बस जमता नहीं है यार, बस में कभी गया भी नहीं हूँ और बस मेरे को जमता नहीं है, इसलिए मेरा मन है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ ट्रेन में ही जाऊँ। तो बाकी अपन देखते हैं क्या है क्या नहीं, ट्रेन का क्या है अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वेटिंग है, क्लियर होना कोई चांस ही नहीं है, बोलता क्लियर होगा ही नहीं। कुछ ऐसा माहौल है कि ताबड़तोड़ वाली बारिश हो रही है यहाँ पे एकदम फुल, कल रात से ऐसी बारिश हो रही है कि बारिश बंद होने का नामो निशान नहीं है। और पुणे में क्या है, मेरे बड़े भाई रहते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, कहीं आने जाने का कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस पुणे का ही एक है, पुणे में अपन चलते हैं घूमते, क्योंकि पुणे क्या है बारिश के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे वहाँ पे फेमस स्पॉट है जो घूमने लायक है, तो इसलिए प्लान कर रहा हूँ पुणे का। पुणे में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है, अच्छी खासी, और यहाँ का वेदर देखो, यहाँ तो बारिश बंद ही नहीं, इतना तगड़े से बारिश हो रहा है कि पूरा ब्रिज में पूरा पानी जम गया। मैं बता रहा हूँ, जनवरी में गया था मैं कश्मीर, और उसके बाद मैं फरवरी में ही डाला हूँ जहाँ तक वीडियो, जो भी डाला हूँ वीडियो ही नहीं डाला हूँ, कहाँ से डाल पाऊंगा यार, वीडियो है ही नहीं ढंग का, कुछ ऐसा जाने ही नहीं हो पा रहा है कहीं, क्योंकि क्या है अभी फिर काम से भी फुर्सत नहीं, काम करना भी ज़रूरी है, काम करोगे तो घर चलेगा ऐसा है। तो इसलिए अब देखते हैं बाकी क्या है, पुणे से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद अगर अभी तो मेरा प्लान भी मनाली का भी था, ठंडी में सोचा था मनाली जाऊंगा, बट मनाली भी कैंसिल, क्योंकि मनाली में ऐसा माहौल हो गया, अभी आप लोग जान ही रहे हो बहुत गंदे से माहौल हो गया है, तो अभी फिर कैंसिल ही है, क्योंकि वो एक दो महीने में तो सुधरने से नहीं रहा, नहीं तो फिर मैं प्लान किया था कि नवंबर वगैरह में देखूंगा मनाली का ट्रिप करूंगा, ऐसा सोचा था मैं, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर लास्ट ऑप्शन अपने पास अब बचेगा, देखते हैं सिक्किम का, सिक्किम दार्जिलिंग ये हो सकता है, अपन प्लान करेंगे माहौल के हिसाब से। बारिश होने के बाद ना मतलब पेड़ इतने ज्यादा सुंदर दिखने लगते हैं ना, एकदम हरे भरे टाइप से, एकदम बेहतरीन सा एकदम लगता है पेड़ वेड़ देखोगे आप, मतलब मजा आ जाए इंसान को। और वही गर्मी में देख लो या फिर आप ठंडी में देख लो तो पेड़ में वैसा मजा नहीं, अभी मतलब बेहद ज्यादा खूबसूरत लगता है अभी इस वक्त पे पेड़ वगैरह, तो कुछ मतलब थोड़ा सा भी बारिश में निकालो देख लो पूरा, ये देखो सब कचड़ा हो गया, एक यहाँ खड़ी है एक वो खड़ी है, ठीक इसको लेके अपने को एक बार पहाड़ में जाना है, बस घर वाले एक बार परमिशन दे दे, बाकी चलो फिर चलते हैं घर। गाड़ी हो गई, बारिश में भी एक ब्लॉगिंग करने का अलग सा ही मजा है, और यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड, फिर मिलते हैं पुणे काफ़ी अच्छे ब्लॉग में, तो आप वेट करो।